हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग बनता रहता है हमारा, और जब भी मैं निकलता हूँ घर से तो इसका तो नज़र मेरे पे गड़ा रहता है। तो गाइस चलते हैं, आज वीडियो में मेरे लिए बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों ने कुछ फ़ोन किया है, उनको कुछ सामान दिलाना है, गोरखपुर जाना है। हेलो, सुबह का नाश्ता नहीं मेरे भिजवाए थे दुकान पे सूरज भाई, मौसम्मी का जूस और चार केले। तो मैं इनके दुकान पे खुद आ गया हूँ नाश्ता लेने के लिए, पीकर उसके बाद चलते हैं गोरखपुर। तो गाइस हम लोग इसमें हैं पेट्रोल पंप पे, और तेल भराना तो पड़ेगा ही जब घूमना है पूरा। तो क्योंकि आज साथ में अमित भाई भी हैं, छोटा भाई, कल ही आए हैं दुबई से। तो गाइस हम आए गोरखपुर के सिटी मॉल में, और मैंने गाड़ी भी पार्किंग कर दी है, और कुछ दोस्त वेट कर रहे हैं अंदर सिटी मॉल के। तो चलते हैं अंदर। हमने एंट्री कर चुके हैं सिटी मॉल में, और अमित भाई तो मिल चुके हैं, लेकिन अभी शिव कुमार का पता नहीं चल रहा है किधर है, तो ढूंढते हैं उसको भी। और आज काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। तो गाइस पता चला कि शिव कुमार अभी है वॉशरूम में, तो वो आए तो प्लानिंग मैंने किया है क्या खाना है, मूवी भी देखना है कि नहीं। तो काफ़ी मज़ा भी आ रहा है सिटी मॉल में। तो हम लोग सबसे ऊपर फ्लोर पे बैठे हैं, कुछ खाना नहीं है क्योंकि हम लोग घर से खाना खा कर निकले हैं तो भूख ही नहीं है। मेरा पेट एकदम भरा है, घर से खा के कम से कम 7 रोटी खाए हैं आज। और काफ़ी महंगा भी सामान है यहाँ पे, तो मॉल में तो महंगा रहता ही है, लेकिन अगर मन किया कुछ खाने का तो खाएंगे। उतना मजा नहीं आ रहा है, और ओरियन माल चली तो अभी भाई ने ओरियन माल नहीं घूमा है, तो चलते हैं थोड़ा सा ओरियन माल भी घूमते हैं भाई के साथ। लाइफ में पहली बार सिटी मॉल में, ओरियन मॉल में हम लोग चौको डीप, जो इसका कीमत मैं बता दूँ 70 रुपये पीस है। बहुत शानदार है, बहुत अच्छा लग रहा है खाने में, बहुत ही टेस्टी भी है, तो काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। वह चलते ऊपर माले पे देखते हैं। आइसक्रीम लेने के बाद मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि ख़त्म ना हो, बस जितना भी स्लो खाता हूँ लेकिन ख़त्म हो जाता है यार। तो मन कर रहा है एक और जा कर लूँ, लेकिन बजट पारित नहीं हो रहा है। शिव कुमार का जेब गर्म है, तो इस बार पैसा नहीं, 1000 बार देगा और मैं 1000 बार खाऊंगा। 1000 बार तो नहीं खा पाऊंगा, 10 बार जरूर खाऊंगा। खिलाओगे ना? और मेरे अमित भाई हैं, मेरे बाद इनका पारी है, इसके बाद इनका नंबर है खर्च करने का। तो मुझे तो आज बहुत मजा आ रहा है। जरूरी नहीं एक मतलब यही खाएंगे इनके पैसे से, अब इनके पैसे से कुछ और हम कमा के आए हैं कल ही। अमित भाई काफ़ी रुपया लेकर आए हैं, और इनका भी जेब गर्म है, इनका जेब जल चुका है इतना गर्म है। तो अभी बहुत से जगहों पर घूमना है हम लोगों को, तो अभी हम लोगों ने सिटी मॉल में घूमा है। अभी सिटी मॉल में इनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम लोग चले चलो भाई ओरियन मॉल में घुमाते हैं। तो ओरियन मॉल में हम लोग हैं इस समय और खा रहे हैं आइसक्रीम। तो अभी ओरियन मॉल से बाहर भी जाएंगे, देखते भाई जहाँ बोलेंगे वहाँ घुमाना है। तो गाइस आपको मज़ा जरूर आ रहा होगा, तो वीडियो में बने रहिए, और भी आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं। हम
हम लोग दोबारा आ रहे हैं ओरियन मॉल में। पिछले वीडियो में आपको मैंने दिखाया था ओरियन मॉल, तो बस भाई को घुमाना था तो इसलिए फिर दोबारा आना पड़ा ओरियन मॉल में। तो गाइस अभी पता चला है, किसी दोस्त ने फोन किया था कि मेरे गांव का जो बंदा है बगल के गांव में टूट चुका है, तो हम लोग यहां घूमना कैंसिल करते हैं और चलते हैं और वहां का माहौल आपको दिखाते हैं क्या है। तो चलते हैं गांव। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने नदी पे और ऐसी कोई बात नहीं है कि बंधा टूट जाए। आप पीछे देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से बांध दिया गया है, पेड़ भी काट के डाल दिया गया है ताकि बंधा टूट ना पाए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बाढ़ का संभावना नहीं है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में, तब तक ले जय हिंद।